प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआ मत्स्य पालकों पर एनेक्सी भवन के सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के लोगों को मछली पालन हेतु विभिन्न प्रकार की धनराशि दी जा रही है। मछुआ समुदाय के लोग मछली पालन कर उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में काफी प्रयासरत हैं। प्रदेश सरकार मछुआ समुदाय के लोगों को जागरूक करने हेतु विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु गोष्ठी के माध्यम से अभियान चला रही है, जिससे लोग जागरूक हो सके और मछली पालन कर अपनी जीविका बढ़ा सके। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया के मृत्यु पर कहा कि सरकार जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु संकल्पित है। इसी के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, डॉक्टर अमित निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, खबर कर सभी जिलाधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, डीडी महोदय और आपके लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी, मैं तहे दिल से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, कार्यो से स्वागत। आज का एक विचार गोष्ठी है, एक विचार गोष्ठी एक विचारधारा के बारे में, विचारधारा दुनिया की वित्तीय सहायता, ये आखिर क्यों 70 साल में हमारे इस मछुआ समुदाय को मदद की जरूरत क्यों पड़ गई कि मैंने अंग्रेजों को भगाया, उग्रों को भगाया, देश को आजाद कराया, छोड़ दिया, वो 70 साल की पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया, ये विचारणीय बिंदु है। और आज के दिन में प्रधानमंत्री इस मछुआ समुदाय उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो आपके लिए सौगात दे दी है, 70 साल में इस सत्ता ने पहली बार आपके लिए सौगात, दूसरी बात प्रधानमंत्री में सत्ता योजना में आपको 25 योजनाएं तो आई है, जिसमें हम 10,000 से लेकर परसेंट सब्सिडी देते हैं, जितनी क्षमता है। अब दिक्कत रहेगी हमारे समाज में रुपया नहीं है तो 6 करोड़ रुपया लगाएगा कहाँ से, और 6 करोड़ में हम 4 करोड़ से सब्सिडी रुपया जमा कर दें तो भी वो 6 करोड़ की उस मुनि को प्राप्त करके उस देश को चला सकते हैं और आराम से आयात कर सकते हैं। ये विचार है कि जैसे प्रधानमंत्री ने सोच के आपके दरवाजे पर योजनाओं का लाभ भेजा है और जो इसमें नहीं हो पाएंगे, देखिए आज के दिन में हम लोग वित्तीय सहायता के साथ साथ ज्ञान के देने की बात करेंगे। एक हमारे हमारे विचार है डॉक्टर संजय का कि जो दिमाग से काम करते हैं वो सबल होते हैं, जो शरीर से काम करते हैं निर्बल होते हैं, जो शरीर का केवल भोजन लेते हैं वो निर्बल होते हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों का भोजन लेते हैं वो सबल होते हैं। तो शरीर के भोजन की व्यवस्था तो बहुत सरकारें करती रही और हमारी वर्तमान सरकार भी करती है, लेकिन धन्यवाद होगा मोदी जी योगी जी को कि आप लोगों को निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आप बड़ी सोच के साथ बड़े बात कर सकते हो, अपनी बड़ी समस्याओं का साथ समाधान भी कर सकते हो। ये मछुआ समुदाय के साथ साथ मत्स्य पालक जितने भी हैं,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक इनको वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है और उसे हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बताते हैं। पहले इनके अंदर ये था कि जिसके पास पोखर जाल हों पोखरे होंगे ताल होंगे उसी को मछली पालन के क्षेत्र में सहायता मिलती है, ऐसा नहीं। इसमें छोटे मोटे रोजगार बेरोजगार भी आ सकते हैं, अशिक्षित शिक्षित भी हैं, हम उन्हें साइकिल में देकर अनुमोदित कर सकते हैं, मिठाई पास मोटरसाइकिल के देख सकते हैं। हम लगभग महिला और पुरुष को में अलग अलग है, महिलाएँ और SC ST के लिए 60% है और सामान के लिए 40%। ये गाँव के लोगों को पता नहीं था कि भारतीय, पहले इनको पता था कि हम पट्टा और कमा के सरकार को देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि नहीं नहीं हम मत्स्यपालकों को सहायता भी देंगे और लगभग हर क्षेत्रों में जिसके बाद पोखरे होंगे खोदने के लिए, नए तालाब बनाने के लिए, उसमें मछली पालन के लिए, किसी के घर पे दरवाजे पर भी थोड़ी जमीन है गांव में, केवल सिक्योरिटी लिख दे प्रधान लिख देगा उससे भी उन्हें मिल जाएगा। ऐसे हम लोगों ने इस बार BPL के लोगों को ज़्यादा जोड़ा है, जो अपने दरवाजे पर छोटा सा पोखरा खोद लेगा उससे भी 50,000 की यूनिटर 30,000 के आसपास सब्सिडी है और उसमें उसके माध्यम से उसे क्या होगा कि किसी के पास जाल होगा या पॉन्ड्स होंगे या नाव होगा नेट होगा या कुछ भी होगा तो उसको भी जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,00,000 से सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसे में भारत सरकार की योजना है, हमारे सांसद जी मौजूद हैं इसीलिए कि इन जो गांव में दूर दराज से रहने वाले लोग हैं वो हमारी योजनाओं के बारे में जान लें, आवेदन कर लें। पोर्टल पहले से खुला, 15 दिन चलेगा, आवेदन कर सके और इसे लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें, क्योंकि आज के दिन में इनको ये बताना था कि भाई देखो कि लक्ष्मी जी कमल पर रहती हैं, कमल पानी में रहता है और पानी में ही लक्ष्मी जी हैं और अपने 20 पैसे के छोटे बच्चे को और छोटे से पोखरे में रेयरिंग नर्सरी करके और 100-150 दिन वो लंबा करके बड़ा करके 2 रुपये कमा सकता है और हर 1.5 महीने पर 2 महीने पर अपनी आय को बढ़ा सकता और अपने क्षेत्र में काम कर सकता है। उसी के लिए आज का ये गोष्ठी है और गोष्ठी के माध्यम से एक तो पार्टी के बारे में समझाया जाएगा इनको और पिछली सरकारों की गलत नीतियों के बारे में इन्हें आगाह किया जाएगा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो नीति बनाए और जिसका दोबारा मुहर महाराष्ट्र जनता ने उसे भी समझाया जाएगा और 2024 की इसी बहाने तैयारी भी की जाएगी कि 2024 में एक किस तरीके से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के फिर से प्रधानमंत्री। एक बड़ी संस्था है, देश की सर्वोच्च अदालत, उसमें हम लोग को टिप्पणी करें तो अच्छा होगा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे बड़े नेता हैं, वो लोग खुद ही जनता देश में चिंता कर रहे हैं, जब वो खुद ही हमारे नेता चिंता कर रहे हों तो हम लोगों को निश्चिंत होकर उनके साथ रहना चाहिए और हम लोग विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसा समय आता है वैसा निर्णय लेते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इनको पूरी जानकारी दी जाएगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितनी सहायता है महिलाओं के लिए, 60% और सामान के 40%। हम जो है लोगों को ये बताने का यहाँ बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस समुदाय के लिए वित्तीय सहायता देकर इन्हें अनुग्रहित किया जाएगा।